हेलो फ्रेंड्स, दिस रिनेश रमेश बिंदुकिनी। आज का टॉपिक भी प्यार है। प्यार के कई किस्से होते हैं, कई कहानियां होती हैं। आज जो मैं कविता आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो समझिए इन कहानियों में से एक है। तो आइए सुनते हैं इस कविता को, जिसका नाम है काश थोड़ी सी हिम्मत मैंने की होती। जब मेरी नजरों ने तुमसे मुलाकात की पहली दफा, जब मेरी नजरों ने तुमसे मुलाकात की पहली दफा, काश थोड़ी सी फुर्सत मैंने ली होती। अरमान दिल के जुबान तक लाने की कोशिश मैंने की होती। काश थोड़ी सी हिम्मत मैंने की होती। काश थोड़ी सी हिम्मत मैंने की होती। मेरी हंसी का जवाब जब दिया तुमने मुस्कुराकर, मेरी हंसी का जवाब जब दिया तुमने मुस्कुराकर, काश थोड़ी सी जरूरत मैंने की होती। एहसास मेरे तुमसे कहकर मन को तसल्ली मैंने दी होती। काश थोड़ी सी हिम्मत मैंने की होती। काश थोड़ी सी हिम्मत मैंने की होती। हर बार बारिश की बूंदे जब तुमको छूकर शर्मा जाती, हर बार बारिश की बूंदे जब तुमको छूकर शर्मा जाती, काश थोड़ी सी मस्ती मैंने की होती। उस पल को बना के अपना एक अच्छी सी तस्वीर मैंने ली होती। काश थोड़ी सी हिम्मत मैंने की होती। काश थोड़ी सी हिम्मत मैंने की होती। थे जब आंसू साथ तेरे और किसी अपने की जरूरत तुम्हें थी तभी, थे जब आंसू साथ तेरे और किसी अपने की जरूरत तुम्हें थी तभी, काश थोड़ी सी मदद मैंने की होती। हाथ में तेरे हाथ थाम कर संग चलने की गुजारिश मैंने की होती। काश थोड़ी सी हिम्मत मैंने की होती। काश थोड़ी हिम्मत मैंने की होती। वो आखिरी दिन जाने के जब आखिरकार आ गए, वो आखिरी दिन जाने के जब आखिरकार आ गए, काश थोड़ी सी जुनूनियत मैंने की होती। तेरे आगे घुटनों तले इश्क की अर्जी मैंने दी होती। काश थोड़ी सी हिम्मत मैंने की होती। काश थोड़ी सी हिम्मत मैंने की होती। तो ये थी एक ऐसी प्रेम की कहानी जहां शायद थोड़ी सी हिम्मत तुमको एक कर देती। काश थोड़ी सी हिम्मत की होती। दोस्तों, प्यार हमारे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। उसे खोना आसान होता है, लेकिन पाना मुश्किल। उम्मीद करता हूं कि आप सबको आपका प्यार मिल जाए। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। अगर आपको एक कविता पसंद आई हो तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा। मेरे बाकी पोएम्स के लिए आप मेरे यूट्यूब और ब्लॉग पे जा सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बार एक और प्यार की कहानी लेकर। टिल देन, गुड बाय।